हेलो एंड वेलकम टू द डीप डाइव विद अभिनव करे। आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, मतलब ये जो कानून के हाथ हैं इंडिया में वो लंबे हैं या नहीं है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फिर चलो कूदें। अब ये सारे जो टॉपिक है ये बहुत रिलेवेंट हो गया है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि एक पैटर्न बन गया है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स का। बात करें विजय माल्या की, ललित मोदी की या मेहुल चौकसी की, किसी भी एक नेशनलाइज्ड बैंक से भर भर के करोड़ों रुपए का पहले लोन उठाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PNB ऑब्वियसली आफ्टर ब्राइबिंग द करप्ट ऑफिशियल्स देयर। उसके बाद जब आप लोन पे नहीं कर पाओ तो पतली गली में कट लो, और इंडियन जो पुलिस है और पब्लिक है वो पीछे बस बोलती रह जाए कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो ये किस तरह से चल रहा है, क्या रीजन है कि इन लोगों को हम वापस पकड़ के इंडिया में दोबारा नहीं ला पा रहे हैं और जेल में नहीं डाल पा रहे हैं, इस मैटर को और डिटेल में अब बात करते हैं। एक्सट्रेडिशन जो है वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मैकेनिज्म है, किसी भी फ्यूजिटिव का टाइमली रिटर्न टू द ओरिजिनल कंट्री वेयर ही हैज कमिटेड द क्राइम। सो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि एक कंट्री जहाँ पे कोई भी क्रिमिनल फाउंड हुआ है, उस कंट्री से उसका दूसरी कंट्री जहाँ पे उसने या तो क्राइम किया है जहाँ पर वो वांटेड है, उसको किस तरह से ले जाया जाएगा। ये पूरी जो प्रोसेस है, जो पूरा मैकेनिज्म है, इसको जो डिफाइन करती है जो प्रोसेस, वो कहलाती है एक्सट्रेडिशन इंटरनेशनली। अब ये इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारी ट्रीटीज, कई सारे बायलेटरल अग्रीमेंट्स, कई सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, उसमें ह्यूमन राइट लॉज भी आते हैं, कई बार रेसिप्रोकिटी जो प्रिंसिपल है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते हैं एक दो कंट्रीज के बीच में, उससे भी डिफाइन होता है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कुल मिलाकर कि ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत ब्यूरोक्रेटिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसके कारण इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगता है। अब क्योंकि अभी तक इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर डोमेन में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, विजय माल्या से लेकर एंडरसन से लेकर डेविड हेडली या डॉक्टर जकीर नायक, उसको डॉक्टर बोलना वाला है कि इट्स अ जोक इन इटसेल्फ, जकीर नायक तक की उनको वापस जो एक्स्ट्राडाइट है वो सक्सेसफुली अभी तक नहीं करवा पाए, जिसके कारण में काफ़ी बहुत बड़े सवालिया निशान उठते हैं हमारे यहाँ की जो पूरी प्रोसेस है, हमारी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है। तो इसीलिए हम पहले इसको समझने के हम बात करते हैं हिस्ट्री के और जो इम्पोर्टेंट इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उनको। सो जैसा कि हमने बात करी अभी कि एक्सट्राडिशन ट्रीटीज जो हैं वो एक लीगल फ्रेमवर्क डिफाइन करती हैं कंट्रीज के बीच में फ्यूजिटिव के एक्सचेंज के लिए। इस समय इंडिया ने 43 डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करी हुई है और 10 और कंट्रीज हैं जिनके साथ एक्सट्रेडिशन अग्रीमेंट्स हैं। अब अरेंजमेंट्स और ट्रीटीज के बीच में डिफरेंस ये है कि जो ये अरेंजमेंट्स हैं या जो अग्रीमेंट्स कहलाते हैं ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब इंडिया रिक्वेस्ट कर सकता है, फाइनली इट्स अप टू द अदर कंट्री कि उनको उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं, वो लीगली बाउंड नहीं होते हैं। अगर इंटरनेशनल बाकी अगर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो इस मैटर पे इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं वो बहुत कम है। US और UK दोनों के कम से कम 100 देशों के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज साइन है, रशिया चाइना के भी 50-60 के कंट्रीज के साथ हैं। उसके कंपैरिजन में इंडिया ने अभी बहुत कम लोगों के साथ ही अरेंजमेंट्स एंड ट्रीटीज साइन करी हैं। इन ट्रीटीज और अरेंजमेंट के अलावा बाकी आती हैं इंटरनेशनल लॉज, जैसे कोई भी ट्रांसनेशनल क्रिमिनल है वो चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग का हो, एयर हाईजैकिंग का हो, या फिर स्मगलिंग का हो, टेररिज्म का हो, उसमें इंडिया और जो भी साइनिंग पार्टीज हैं इंटरनेशनल जो क्राइम ट्रीटीज हैं उनके पास में लीगल बाउंडेशन होता है उनको एक्स्ट्राडाइट करने का। जो सबसे कंसर्निंग बात है इसमें वो ये है कि इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ इंडिया की इस तरह की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं वो नहीं है। इन नेबर्स में आते हैं चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग एरिया है, वहाँ पर क्रिमिनल क्राइम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तो इस गैप को बहुत जल्दी फिल करना बहुत बहुत जरूरी है। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो नोडल बॉडी है इन सारे एक्सट्रेडिशन मैटर्स को हैंडल करने के लिए। उनके द्वारा दिए गए जो डेटा है उसके हिसाब से 2002 से लेकर अब तक 2019 तक रफली 66 टोटल फ्यूजिटिव या क्रिमिनल हैं जिनको इंडिया ने सक्सेसफुली अभी तक एक्सट्राडाइट करवा लिया है। सो ये 2002 से जो 66 जो क्रिमिनल इंडिया ने सक्सेसफुली एक्सट्राडाइट करवाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सट्राडिशन हुआ है यूएई से, रफली 19 क्रिमिनल्स का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है यूएसए जहाँ से 9 क्रिमिनल्स हमें इंडिया ने सक्सेसफुली मिले हैं। बदले में हमने भी इस पीरियड में 55 क्रिमिनल्स को दूसरी कंट्रीज को सौंपा है। सबसे ज़्यादा 27 क्रिमिनल्स हमने यूएसए को दिए हैं, उसके बाद हमने कनाडा को दिए हैं रफली 6 और 9 क्रिमिनल हमने दिए हैं यूके को। इंडिया का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वाइट कॉलर जो क्राइम है उसमें एक्सट्रेडिशन का वो बहुत ज़्यादा वीक है। टोटल अभी तक 13 सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशन हुए हैं और 27 अभी ओपन केसेस है इन्वेस्टिगेशन जिसमें चल रहा है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो अभी जैसे हमने बात करी थी एक्सट्रेडिशन जो ट्रीटीज़ हैं वो बहुत ओल्ड हैं और उनकी जो लिस्ट है जो एग्जॉस्टिव लिस्ट है उसमें कई बार जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। सो इसको किस तरह से टैकल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए। एक बहुत बड़ा एक रीज़न उसमें ये भी है कि जो जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं वो हमेशा सिविल ऑफेंस के अंदर में आते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर में नहीं आते हैं। तो इसके कारण उसके साथ में जो मॉरल स्टिग्मा है, जो एक सोशल जो एक प्रेशर होता है जो फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर कि यार एक क्रिमिनल को एक फ्यूजिटिव को आप अपने पास क्यों रख रहे हो, उसे वापस भेजो, उस तरह का प्रेशर बहुत कम होता है। सो अगर किसी क्रिमिनल ने अगर कोई एक मर्डर किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक मर्डरर के ऊपर एक सोशल स्टिग्मा इतना स्ट्रांग रहता है कि यूके की गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी उसको वापस सरेंडर करने के इंडिया पे। लेकिन जो इकोनॉमिक है, जैसे कि विजय माल्या ने किया है उस पर उस तरह का प्रेशर नहीं होता। सेकंड एक एस्पेक्ट यह है कि सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है उस पर्टिकुलर कंट्री का वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है अगर क्रिमिनल अगर इस तरह के जो फ्यूजिटिव्स हैं वो इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर रहते हैं तो वो जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं इसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, थोड़ा आराम से इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। एक जो अर्जेंसी रहती है वो अर्जेंसी की फीलिंग नहीं आती है उनके पास। अब क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में दो अलग अलग कंट्रीज़ के क्रिमिनल लॉज इन्वॉल्व हैं तो इसमें कई बार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं इंडिया की जो पुलिस ऑफिसर्स हैं कई बार उनकी तरफ से भी काफ़ी घोचा होता है। जानबूझ के कई बार वो इस तरह के चार्जेस या जो ट्रांसलेशन है फॉर एग्जांपल सर्टिफाइड ट्रांसलेटर की जगह किसी और से करवाकर इस तरह की कई बार गलतियां करते रहते हैं जिसकी वजह से ये हो नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूके ने जब 25 साल तक सीबीआई ने रिक्वायर्ड एविडेंस रिक्वायर्ड टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड एफिडेविट सबमिट नहीं किए एक फ्रॉड के केस में जिसमें एक ब्रिटिश इंडियन कपल था जतिंदर एंड आशा रानी अंगरूला, उसमें 25 साल तक सीबीआई ने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। फाइनली ब्रिटिश कोर्ट ने सीबीआई को इसको लेकर बहुत हैवी क्रिटिसिज्म किया कि ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग। सीबीआई आज भी आंसर नहीं कर पाया कि इस 25 साल का समय कितना बड़ा समय होता है आप इमेजिन कर सकते हैं। और भी एक दूसरे हाई प्रोफाइल केस के बारे में बात करें, ललित मोदी 2009 में इंडिया से वो फ्रॉड करके भागे हुए हैं यूके में। आज तक की रियलिटी है कि 10 साल हो गए हैं, एक फॉर्मल एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट तक नहीं गई है, फॉरगेट अबाउट ब्रिंगिंग हिम बैक, एक रिक्वेस्ट तक नहीं जा पाई है। 10 साल का वाक्या बहुत बड़ा होता है, महीना दो महीना एक अलग बात है, लेकिन अगर 10 साल में आप एक रिक्वेस्ट तक नहीं भेज पाए तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है आपके खुद की क्रेडिबिलिटी, आपकी खुद की इंटीग्रिटी पे। एक्सट्रेडिशन की जो इंटायर प्रोसेस है, अब इसमें इंडिया की डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी इसका क्या रोल है इसको डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हमेशा से रहता है जो कि काफ़ी हद तक सही भी है कि ये जितनी जुडिशियल प्रोसेस है जो एक्सट्रेडिशन उससे कहीं ज़्यादा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आपका डिप्लोमेसी आपका डायलॉग कितना स्ट्रॉन्ग है, बायलेटरल आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो है जैसा कि हमने बताया 3 स्टेजेस में चलता है जिसमें एक बार आप एविडेंस सबमिट करते हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट देते हो, फिर वहाँ
पे कोर्ट डिसाइड करता है, फिर उसमें अगर जो फ्यूजिटिव है वो चाहे तो अपील कर सकता है। तो कई बार ये जो डिप्लोमेसी है, कई बार हम यहां पर हार जाते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जैसे कि एक नीदरलैंड में 8 साल लगे किम देवी को। किम देवी जिसका फॉर्मल नाम था नील्स हॉक, इसने पुरुलिया में जो एक प्लेन से जो नीचे हथियार गिराए थे, जिसका मालूम नहीं मकसद क्या था, शायद इंडिया के अंदर ये जो आर्म्ड जो वायलेंस है, जो प्रोटेस्ट है, उसको इनकरेज करने के लिए वहां पर गिराए गए थे। हो सकता है उस आर्म्स का नक्सलाइट यूज करते। उस केस में बिल्कुल ओपन एंड शट केस था। उसके बावजूद फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड किस तरह उस क्रिमिनल को इंडिया से बाहर जाने दिया। जिस समय पकड़ सकते थे तब नहीं पकड़ा, और उसके बाद जब वो वहां चला गया नीदरलैंड्स, उनके साथ रिक्वेस्ट करते रहे, 8 साल लगे उनका एक्सट्रेडिशन इवन प्रोसेस को स्टार्ट करने में नीदरलैंड गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं इसकी वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब इसका इन सारी चीजों का इंडिया की फ्यूचर में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एक्सट्रेडिशन को लेकर। सो जैसा कि अभी हमने बात करी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टीपल ट्रांसलेशन, एफिडेविट्स, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, जुडिशरी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, और बाहर के जो जुडिशरी जो मशीनरी है वो भी इंडिया की तरह ही स्लो है। मतलब कई कई बार सालों साल डेकेड्स लग जाते हैं सिर्फ इनके पत्राचार में, यू नो, यहां से मैसेज गया, उन्होंने वहां से जवाब दिया, एंड सो ऑन। तो इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले कि इंडिया को एक बहुत टारगेटेड, एक बहुत फोकस स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी हर एक कंट्री में, हर एक केस में। वन साइज फिट्स इट ऑल वाला केस नहीं चलने वाला है यहां पर। दूसरा है कि हमारे यहाँ के जो डिप्लोमेटिक एंड फॉरेन पॉलिसी के जो एफर्ट्स हैं वो इम्प्रूव होना पड़ेंगे। जो अग्रीमेंट्स ऑफ रेसिप्रोक्सिटी है, या बायलेटरल ट्रीटीज हैं, या जितने भी जहाँ पे वीक अग्रीमेंट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। तीसरा इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है, वो ये है कि जो अभी 57 जो कंट्रीज हैं जो लीगल ट्रीटीज या बायलेटरल अग्रीमेंट से कवर हैं, उनका नंबर बढ़ाया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि यूएस एंड यूके की तरह हम भी 100+ कंट्रीज के साथ में इस तरह के एक्सट्रेडिशन जो अरेंजमेंट्स हैं, जो ट्रीटीज हैं, वो साइन करें जल्दी से जल्दी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्वेस्टिगेशनल डिलेज होते हैं, उसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है, बाय इम्प्रूविंग द कैपेसिटी। अभी क्या होता है कि इंडिया में अगर कोई क्राइम होता है तो उसको पुलिस या डिफरेंट स्टेट पुलिसेज हैं वो हैंडल करते हैं, वहां से सीबीआई के पास जाता है और फिर सीबीआई हैंडल करता है ये मनी लॉन्ड्रिंग या वाइट कॉलर क्राइम्स या टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स। अब इसमें क्या होता है कि सीबीआई को अगर कंपेयर किया जाए अनदर फेडरल एजेंसी लाइक एफबीआई से, तो बहुत ज़्यादा अंडर स्टाफ है। एफबीआई में जहाँ पे 30,000-35,000 लोगों का स्टाफ है, एक प्रोफेशनल, एक पूरी प्रॉपर, एक आर्मी, एक पूरी टीम है उनके पास में, उसके कंपैरिजन में सीबीआई के पास, डिस्पाइट अस बीइंग ऑलमोस्ट आई थिंक 4 times बिगर इन पॉपुलेशन, हमारे पास सिर्फ 6,000 ऑफिसर्स हैं, 6,000 लोगों का स्टाफ है, जो कि कंप्लीटली सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है। तो अगर पास में अगर बात करें तो एक जस्टिस मलिमत कमेटी ने 2003 में रिकमेंड किया था कि जिस तरह वहां पर यूएस में एफबीआई है, उस तरह सीबीआई को और ज्यादा इन्फोर्स करना चाहिए, उनको ज्यादा रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए ताकि ये थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो सारी प्रोसेस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज डीप डाइव विद अभिनव करे। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट करिए, कॉमेंट कर हमें बताइए और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने चाहिए। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना